सतना जिले के उचेहरा थाना अंतर्गत चमस नदी के पुल के नीचे एक व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिली। लाश की शिनाख्ती के बाद से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर मौके पर जाकर ग्रामीणों ने देखा तो पुल के पास गड़ौली पंचायत के सोनकाचर गांव के गोपाल चौधरी की लाश दिखी। वहीं से परिजनों को सूचना दी गई और थाना उचेहरा की डीएसपी ख्याति मिश्रा भी फॉरेंसिक टीम को लेकर दल बल के साथ पहुंच गई। परिजनों का कहना था कि घटनास्थल पर ही पूरी जाँच हो और डॉग स्क्वाड को बुलाकर संदेही की तलाश की जाए, तभी बॉडी पीएम के लिए की जाएगी। लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। परिजनों को हत्या का संदेह पास के गांव करही कला के एक व्यक्ति पर लगाया। मृतक के पुत्र उपेंद्र चौधरी की मां ने तो करही कला के कुल्लू चौधरी का बीते रात्रि 10 बजे फोन आया कि तुम्हारे पापा आज घर नहीं आएंगे, और जब सुबह जानकारी लगी तो पापा की मौत की खबर मिली। वहीं घटना स्थल जो साइकिल बरामद हुई वह कल्लू चौधरी की ही थी, जिसके घर में रात्रि को मृतक रुका था। घटना स्थल में वह साइकिल सुबह कल्लू चौधरी की बच्ची अपने घर ले गई। कल्लू चौधरी 10:05 में फोन आया था तो बोला तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। हम बोले होगा ठीक है, फिर मोबाइल काट दिए। फिर वहाँ सुधार भैया हमारे देखे हैं हमारे पापा को, तो हमको बताए हैं तुम्हारे पापा जी खत्म हो गए हैं, हम आए हैं। कहाँ पे? नटपटिया के पास। और वो साइकिल किसकी थी जो मिली थी मौके में? वो साइकिल खुल्ली की थी, खुल्ली की बिटिया फिर ले गई है वही साइकिल। उसी की साइकिल है फिर वो ले गई है अपनी साइकिल। पुलिस परिजनों द्वारा बताए संदेही से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।